जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को बहुत 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 नमस्कार और जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मुझे ये मौका देने का, सारी संगत के बीच में अपना सत्संग शेयर करने का। एंड थैंक यू संधु अंकल आंटी फॉर बिकमिंग द सोर्स ऑफ द सत्संग। मैं गुरु जी को पहली बार मुझे पता चला था गुरु जी के बारे में 2013 में, बट मैं बिल्कुल एक नास्तिक इंसान था और मैं सिर्फ कर्मों पे विश्वास रखने वाला था और मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे चर्च कहीं नहीं जाता था। कभी कोई जबरदस्ती ले गया तो जरूर, बट अपने मन से कभी नहीं गया था। सो 2013 में मेरी वाइफ ने, आंटी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, उनका सत्संग होता है तो तुम चलो। तो बट आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। एंड देन शी वेंट, बट मैं घर पे रहा। तो वो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हुई गुरु जी के साथ 2013 में, और उसके बाद गुरु जी का कोई जिक्र हमारे घर में नहीं हुआ टिल 2017। तो 2017 में वी वर अंडर ह्यूज डेट, बहुत बुरे हालात थे घर के। एंड 2016 में आई लॉस्ट माय फादर एज वेल। तो जब मैं आई टुक ओवर माय फादर्स बिजनेस, तो आई केम टू नो, आई वाज अवेयर दैट वी आर स्ट्रगलिंग, बट क्या है क्या नहीं क्लियर पिक्चर मुझे 2017 में पता चली। एंड जो हमारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री थी, दैट वॉज अंडर अ बैड डेट, एंड कोर्ट ने उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था विद द बैंक। सो आई थिंक फरवरी 2017 में कोर्ट ने वर्बल पोजेशन बैंक को दे दिया था। एंड 6 अप्रैल 2017 की डेट मुझे जज साहब ने दी थी कि युवराज, या तो आप पेमेंट कर दीजिए, इसको सॉर्ट आउट कीजिए, और नहीं तो हम 6 अप्रैल की जो डेट है उसमें हम फिजिकल पोजेशन बैंक को दे देंगे। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द बैंक एंड आई कमिटेड कि ठीक है जी, मैं 31 मार्च तक किसी भी तरीके से आपकी पेमेंट कर दूंगा, चाहे मैं प्रॉपर्टी बेचूं चाहे मैं कुछ भी करूं, बट मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो चलता रहा। आई मीन वाइल मैंने बहुत कोशिश करी कि कहीं से फंड अरेंज हो रहे हैं, या मैंने प्रॉपर्टी अपनी सेल पे लगा दी कि एटलीस्ट प्रॉपर्टी चली जाएगी, बट आई हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क अहेड। बट 25 मार्च के अराउंड आ गया, 25 मार्च 2017, पर कुछ नहीं हुआ। तो उस रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। 2013 में मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, उसके बाद 2017 में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मुझे बोलते कि तो मैं परेशान क्यों है। सो आई वॉज लाइक कि गुरु जी, मतलब मैं तो जानता नहीं था, बट आई सेड कि मैं परेशानी की गल है कि हालात ऐसा दे है कि मैं जबान दे चुके हैं, तो मैं जबान तो मुकरन वाले तो नहीं है। देन गुरु जी सेड कि जा, तेरा कल्याण करता, टेंशन ना ले, ऐश कर। तो आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड इट वॉज वेरी फ्रेश, मतलब मुझे सारा ड्रीम बहुत अच्छे से याद था। यूजली मुझे ड्रीम इतने याद नहीं रहते, बट ये चीज मुझे बहुत याद थी। सो आई वोक अप, मैंने आंटी को बोला अपनी वाइफ को कि ऐसे ऐसे यार गुरु जी तुमने बताए थे 2013 में उनके बारे में, वो रात को मेरे ड्रीम में आए थे। तो कहती मैंने तो यही सुना कि गुरु जी ड्रीम में आके ब्लेस कर जाते हैं। तो हमने मतलब अनसुनी सी कर दी बात, वी वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि इट वुड बी अवेक सपना टाइप। तो 31 मार्च में निकल गई, कुछ नहीं हुआ। 6 अप्रैल आ गई, तो 6 अप्रैल जब आई, सो ऑफकोर्स माहौल घर का वॉज वेरी टेंस, एवरीबडी वॉज इन डिप्रेशन कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई आस्क माय वाइफ कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस अराउंड 7:30, आई टोल्ड हर दैट आई एम ऑफिस जा रहा हूँ, मैं देखी जाएगी यार जो होगा, क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। सो चला गया मैं 8 बजे, आई वेंट टू द ऑफिस, 8:15 बजे आई रीच्ड, एंड 8:30 मुझे प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया। तो कहते जी आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, मैंने कहा
सुबह सुबह 8:30 बजे फोन के ऊपर तो ये बातें नहीं होती, आप मीटिंग अरेंज करो, लेट्स सी क्या बनता है। तो उसने मेरे को अपना एड्रेस मैसेज किया और कहता कि आप 10:30 बजे आ जाइए। हम लोग 10:30 बजे गए उसके पास, तो प्रॉपर्टी डीलर के पास, तो पार्टी उनसे पहले बैठी हुई थी एंड 15-20 मिनट के अंदर ही डील फाइनलाइज हो गई। सो द पार्टी गेव मी अ पेमेंट, तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसे आई वॉन्ट टेक द पेमेंट, आप बैंक ही चलो, बैंक जाके ही पेमेंट करेंगे। सो ही एग्रीड, हम 11:15 बजे बैंक चले गए, बैंक जाके डील क्लोज करी एंड आई गॉट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। सो गुरु जी का कोई जहन में नहीं था, ना कोई शुक्राना दिया गुरु जी का, ना कुछ बात करी गुरु जी के बारे में, भूल गए गुरु जी को। तो 3-4 महीने बाद मैं बैठा हुआ था, आई वॉज मेडिटेटिंग, तो गुरु जी मेरे ड्रीम में वाइल मेडिटेशन फिर आए, मुझे बोलते कहते बड़े ना शुक्राना हो, कहते तुहाडा काम कराता, घट्टो घट मिठा तो खवा दो। तो आई केम आउट ऑफ माई मेडिटेशन, मैंने आंटी को फिर बोला, मैं कह यार ऐसे ऐसे वो गुरु जी फिर आए थे तो क्या करना है। तो कहती कि आज पूर्णमासी है तो आज सत्संग कहीं ना कहीं जरूर होगा एंड देन वी वेंट देयर एंड वी टुक हिज ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी फॉर चेंजिंग आर लाइफ। पता नहीं कब से आप हमारे साथ हो, ये तो विजिबल आपने हमारे को, हमारे सामने तस्वीर अब उस दिन रखी थी। उसके बाद गुरु जी का हर पल ही सत्संग है, इतने इतने छोटे छोटे चीजें जो हम लोग कभी नहीं देखते थे या समझते थे, अब ऐसा लगता है कि गुरु जी ही हमारे को ड्राइव कर रहे हैं हर जगह हर पल। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान माय मदर इज अ डायबिटिक, तो उनके गैंग्रीन हो गया छोटा सा उंगली पे, एंड गैंग्रीन बहुत जल्दी फैलता है। सो वी वेंट टू प्राइवेट डॉक्टर्स बिकॉज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे, तो वी वेंट टू प्राइवेट डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ द कोविड सीन, एंड पीजीआई है हमारे यहाँ, तो पीजीआई में द कोविड सीन वॉज वेरी बैड, पेशेंट्स थे बहुत सारे, तो हम मदर इज डायबिटिक एंड किडनी पेशेंट, सो वी अवॉइडेड गोइंग एंड टेकिंग हर टू पीजीआई। सो वी वेंट हियर एंड देयर एंड हम प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाते रहे, बट वी वर नॉट वेरी इट वॉज नॉट वेरी पॉजिटिव वाइब्स, नहीं आ रही थी डॉक्टर से कुछ भी, कोई भी कुछ, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सो वी टोटली सरेंडर टू गुरु जी कि गुरु जी तुसी देखो हम कि तुसी कितना करना है। सो ऑल ऑफ अ सडन माई मदर गेव अ कॉल टू द एचओडी ऑफ द पीजीआई, उन्होंने नंबर निकाला और नंबर ढूंढ ढूंढ के पीजीआई के एचओडी को उन्होंने फोन किया, और वो डॉक्टर एचओडी मींस भारत रत्न, एंड ही टोल्ड माई मदर कि नहीं आप एक काम करोगी, तुसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं आना, तुसी पार्किंग लॉट पे ही आओ, मैं थले आके तुहानू मिलांगा बिकॉज ऑफ द कोविड। सो एचओडी भारत रत्न ही विजिटेड अस इन द पार्किंग लॉट ऑफ पीबीआई फॉर 4 to 5 times, और जो उसने जो सिटिंग सर्जरी की भी करी वो गाड़ी में बैठ के करी, हमारी गाड़ी के अंदर ही। तो वो दूसरे डॉक्टर्स भी हैरान होते थे कि सर को क्या हो गया है, कि मतलब सर तो ऑफिस में भी किसी को ट्रीट करते, मतलब ओटी ही रेकमेंड करते कि ओटी में लेके जाऊं मैं तभी ट्रीट करूंगा, और यार सर गाड़ी में भी बैठ के सर्जरी कर रहे हैं। सो इट इज ऑल डन एंड इट इज ऑल विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, उनके बिना तो पता नहीं मिलता, तो हम तो चीज ही गए हैं। एंड देन मैं जब जुड़ा 2017 में, तो मैं हर जगह गुरु जी के ग्रंथों में या सत्संग में, गुरु जी की खुद की वाणी में दैट मैं शिव नहीं महाशिव है, तो मैं बड़ा बीन इतने सालों से नास्तिक, मतलब बड़ा इट वॉज टफ टू टेक दिस कि गुरु जी इट्स ह्यूमन फॉर्म में, सॉरी गुरु जी, मतलब मैं आपकी आपके वचन को काट रहा हूँ, बट बच्चा हूँ आपका, सॉरी गलती माफ। तो
मुझे बड़ा, मैं गुरु जी को भी बोलता रहा, गुरु जी हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग यू नो इन अ ह्यूमन फॉर्म महाशिव कैसे हो सकते हैं। सो गुरु जी को मैं ये पूछता था कि गुरु जी मुझे कुछ साइन दो दैट आप महाशिव हो। सो माय सिस्टर हुज इन मुंबई, वहां गणपति जी को बहुत करते हैं, वो 10 दिन गणपति जी की बहुत पूजा होती है। तो शी वेंट देयर, सो शी इज फ्रॉम मीडिया, तो उसको 3-4 लोगों से इन्विटेशन था। इट वॉज द 10th डे ऑफ गणपति जी। तो मिनी माय सिस्टर, तो उसको 3-4 घर से इन्विटेशन था। तो एक सबसे पहले किसी एक्टर, टीवी एक्ट्रेस है, उनके घर उन्होंने जाना था। तो वहां जाते जैसे ही उसके घर वो एंटर हुई, तो उसको ऐसा लगा, जैसे ऐसा लगा नहीं, उसको ऐसा हुक्म आया गुरु जी का कि मेरा बेटा ऑटो में नहीं जाएगा। तो माय सिस्टर वाज लाइक कि गुरु जी मैं बेटा नहीं देती हूँ एंड मैं तो अपनी गाड़ी में आई हूँ, मैं ऑटो में तो ना जाऊंगी। तो शी सैट डाउन, उसने दर्शन किए गणपति जी के, एंड व्हाइल सिटिंग डाउन व्हेन शी वाज हैविंग प्रसाद, फिर गुरु जी की वाणी आई कि कली कहती हुई कि मैं तेनों साफ कहता कि मेरा मुंडा ऑटो से नहीं जाएगा। सो माय सिस्टर आस्क द फीमेल कि तुम कैसे गणपति जी को विसर्जन के लिए लेके जा रहे हो। तो शी सेड कि मेरी गाड़ी तो सर्विस पे गई हुई है, तो मेरा कजन ब्रदर है, ही इज कमिंग। तो वो कहते कि चलो नॉर्मल, ठीक है, ओके फाइन। तो वो जाने लगी, तो जैसे ही शी वॉज अबाउट टू लीव, तभी उसके कजन का, उस एक्ट्रेस के कजन का फोन आया उसको, एंड ही सेड दैट मैं तो बहुत बुरे जाम में फंसा हुआ हूँ, एंड मैं तो 3-4 घंटे मुझे लग जाएंगे, तो तुम अपना देख लो कैसे अरेंजमेंट करना है। सो शी कट द फोन, माई सिस्टर आज की क्या हुआ, तो वो कहती कि ऐसे ऐसे माई कजन इज अनेबल टू कम, एंड बीच जहां विसर्जन करना है दैट इज 10 मिनट्स वॉकिंग, सो वील टेक गणपति जी ऑन ऑटो। तो देन एवरीथिंग यू नो केम इन लाइन, सब मिनी को समझ में आया, सिस्टर को, एंड मिनी सेड कि नहीं, हुक्म हुआ है मुझे कि ऑटो में तो गणपति जी नहीं जाएंगे। सो दिस आई थिंक ये पूरा इंसिडेंट गुरु जी ने मेरे वहम और मेरे डाउट्स को खत्म करने के लिए किया था, एंड थैंक यू गुरु जी, हमारी हर एक छोटी से छोटी बात को भी आप यू नो समझाते हो, प्यार से भी समझाते हो, डांट के भी समझाते हो, और हर बात सुनते हो आप हमारी, थैंक यू सो मच गुरु जी। देन जब हम पहली बारी बड़े मंदिर जा रहे थे फ्रॉम चंडीगढ़, सो व्हेन वी डिसाइडेड टू गो टू बड़े मंदिर फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारी जो डॉटर है वो शी वाज 2 इयर्स ओल्ड दैट टाइम, तो शी हैड अ वेरी बैड फीवर एंड अ वेरी बैड स्टमक। तो माय वाइफ आंटी वाज वेरी वरीड कि गर्मियों के दिन है, जून जुलाई में, इट इज टू हॉट, एंड कैसे इतना सफर करके जाएंगे। तो आई सेड कि नहीं, लेट्स लीव इट ऑन गुरु जी, गुरु जी से ब्लेस करते हैं, गुरु जी को बोलते हैं कि वो देखें अपने आप संभाले। तो हम लोग चंडीगढ़ से निकले हैं अराउंड मॉर्निंग में, अराउंड 8:30-9 o'clock। पूरे रास्ते पूरे बड़े मंदिर हमें एक भी सूरज की किरण नहीं पड़ी हमारे ऊपर। इट वॉज ऑल यू नो वेदर वॉज सो ब्यूटिफुल इन जून एंड जुलाई का महीना। तो गुरु जी टुक केयर ऑफ आर डॉटर यू नो ऐसे, एंड देन वी वेंट टू बड़ा मंदिर, हमने गुरु जी की ब्लेसिंग ली, वहां लंगर प्रसाद किया, एंड देन वी वर अबाउट टू लीव, तो यूर इन द पार्किंग लॉट, तो हम खड़े थे, तो इतने में एक आंटी आई, वो कहते उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे को, शी वाज अलोन,
तो उन्होंने बोला कि हमारे को आप छतरपुर स्टेशन तक छोड़ देंगे। तो आई सेड हाँ, हमारे पास एक गाड़ी में एक सीट खाली है, तो आप बैठ जाइए। तो वो आंटी जैसे ही बैठी, इतनी देर में माय मदर, उन्होंने बोला कि मैं ना एक स्वरूप ले आते हैं गुरु जी का, कि हमारे पास बड़ा स्वरूप नहीं है गुरु जी का। तो शी वेंट एंड वो गुरु जी के मतलब जहाँ एंट्रेंस है उसके बाहर ही वो जाके लाइन में खड़े हो गए कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। एंड उनको बहुत टाइम लग गया। तो वो जो आंटी बैठी हुई थी वो थोड़ी सी हेजिटेंट हुई और उन्होंने बोला हमारे को कि नहीं, आपको तो आपको मदर को शायद टाइम लगेगा, तो मैं चली जाती हूँ। एंड वो चले गए। इतनी देर में जैसे ही उतर के गए होंगे, तो विद इन 30 सेकेंड्स दो लेडीज, दो आंटीज और आई। तो वो कहते आप हमारे को छतरपुर स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने कहा कि हाँ जी आंटी जरूर, लेकिन हमारे पास सीट एक ही है, तो वी कैन एडजस्ट इफ यू डोंट माइंड। तो वो कहते हाँ, हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो बैठे, उतनी देर में मेरे मदर भी आ गए एंड वी स्टार्टेड ऑफ। तो अभी हम छतरपुर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा पहले ही मेरे पास मेरे फैक्ट्री से फोन आता है मेरे मैनेजर का कि पहाड़गंज से ना कुछ सामान लेना है। एंड तो वो 3 साढ़े 3 बजे तक ही होगा, तो आपको रश करके जाना पड़ेगा। तो वैसे मैंने फोन रखा, मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे ना पहाड़गंज पर काम पड़ गया, तो पहाड़गंज जाना पड़ेगा। तो वो आंटी रोने लग गई, एक उनमें से दो आंटी में से एक आंटी रोने लगी। तो उन सबने पूछा कि आंटी क्या हो गया। तो वो कहते कि मैं पहाड़गंज के बिल्कुल पास रहती हूँ, मेरा घर बिल्कुल पहाड़गंज के पास है। एंड मैंने वो आंटी कहती कि हमने सेवा ले रखी है कि हम एवरी थर्सडे सेवा पे आएंगे आएंगे बड़े मंदिर। एंड मेरे दो बेटे हैं कि एंड दोनों के दोनों को आज फीवर है, तो मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करी थी अभी सेवा करके जब मैं आई, कि मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाता है गुरु जी मंदिर से घर पहुंचते पहुंचते, तो प्लीज गुरु जी आज ऐसी कोई अरेंजमेंट करना जो मुझे पहाड़गंज तक पहुंचा दे। तो मतलब गुरु जी इतनी इतनी बातों का भी पूरा हिसाब रखते हैं, और पूरा का पूरा मतलब उनके पास सबका लेखा चोखा, सबकी रिक्वेस्ट, सबकी मन्नतें गुरु जी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गुरु जी पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने अपनी लाइफ में और संगत में बहुत लोगों को देखा है, जिन्होंने मांगना ही छोड़ दिया है, जिन्होंने बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया मांगना। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि अब हर चीज, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो इतनी छोटी लगती है कि ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, कर्म ही कट रहे हैं, करने दो, होने दो, गुरु जी कोई कर्म ही काट रहे होंगे। तो और बहुत से सत्संग बहुत सारे हैं जी। तो एक दिन हमने सत्संग किया घर के अंदर ही, माय फैमिली हम सबने बैठ के गुरु जी को, गुरु जी का सत्संग किया रात को। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाय प्रसाद गुरु जी के पास रखी, तो जल की बॉटल्स थी, वाटर बॉटल्स थी छोटी वाली। तो आंटी दी माय वाइफ बट 3 बॉटल्स, वन फॉर माय मदर, वन फॉर मी एंड वन फॉर हरसेल्फ। सो वी वर हैविंग जल प्रसाद गुरु जी का। सो हम दोनों ने पी लिया। तो मम्मा ने जैसे ही खोला, मम्मा ने एक से पिया एंड शी सेड कि मुझे कुछ लग रहा है इसमें। तो हमारे को उन्होंने बॉटल दी, तो चंदन की खुशबू ही खुशबू पानी के अंदर, जल प्रसाद में खुशबू ही खुशबू। सो मैं मदर आज कि आप प्लीज ये तू ले लो, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो कि ब्लेसिंग है गुरु जी की। सो हमने, माई वाइफ एंड माई सेल्फ, हम दोनों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी, आपको ब्लेसिंग जो है तो ये आप ही लीजिए। बट माँ का दिल ऐसा होता है ना कि मम्मी के दिल में यही चले जा रहा था कि गुरु जी मुझे ब्लेस कर दिया, बच्चों को भी ब्लेस कर दो, बेटे को भी ब्लेस करो। तो इतनी देर में माई लिटिल डॉटर 2-2.5 साल की वो कहीं से आई और एक बॉटल और ले, तो और मुझे आके दे दी उसने कि पापा ये आपके लिए।
एंड मैंने जैसे ही वो बॉटल खोली तो सेम चंदन की खुशबू उस बॉटल में से, और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पानी के अंदर से, जल के अंदर से आई. एंड देन वी ओपन द कंप्लीट पेटी, सारी पेटी हमने एक एक बॉटल खोली और किसी बॉटल में से वो फ्रेग्रेंस नहीं. तो वो सिर्फ दो ही बॉटल्स गुरुजी ने ब्लेस करी, हमारे को ब्लेस किया. शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी. और ऐसे ही आप हम सबको ब्लेस कीजिए, संगत को ब्लेस करते रहिए. और मांगना तो हमने बंद ही कर दिया है. मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी का हर एक वचन मतलब सच्चा है, और उसको आंख बंद करके आप विश्वास कीजिए. मैं हमेशा से एक चीज बोलता था सभी को कि आजकल की जो टाइम है, पुरानी कहावत होती थी कि इंसान गलती करके सीखता है. तो मैं इस फॉर्मूले को बिलीव करता हूँ कि ये जो टाइम अब आ गया है वो ऐसा टाइम है कि आप सामने वाले की गलती से ही सीख लो. तो प्लीज मेरी गलतियों से सीख लो कि मैंने बहुत इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स एंड सब रखे गुरु जी पे, लेकिन गुरु जी ने इतने प्यार से हर चीज का जवाब मुझे दिया, हर चीज लॉजिकली मुझे समझाई. एंड मैं उसका जितना मर्जी शुक्राना करूं वो बहुत थोड़ा, बहुत 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 थोड़ा. तो थैंक यू गुरु जी, ऐसे ही अपने चरणों में रखना गुरु जी और सेवा को लगाए रखना गुरु जी. थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच.